जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देर इज गोर ट्री विच आई लव टू गो अप मेरे घर के बाहर ही एक अमरूद का पेड़ है जिसमें मुझे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है इट्स ब्रांचिज स्प्रेड आउट सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कन्फर्टेबली इन दू ब्रांच उसकी बहुत सारी टहनियाँ हैं इसलिए उस पर चढ़ना बहुत आसान है और मैं उस पर चढ़ के दो टहनीओं के बीच में बैठ जाती हूँ माई मदर टल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि ये लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं कि वो पेड़ पर चढ़ें बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू एंड बोथ ऑफर्स दर और एक दोपहर वो खुद भी मेरे साथ पेड़ पर पे चढ़ी और हम दोनों वहाँ बैठे एंड बोथ ऑफर सैड दर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगज और वहाँ बैठ के हम दोनों जो है कच्चे आम खा रहे थे वेन आई एम हाई इन द ट्री आई फील आई कैन rule होल वर्ल्ड जब मैं पेड़ पे सबसे ऊँचे पे होती हूँ तो मुझे लगता है मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकती हूँ नासिर दिस बॉय नेम इज़ नासिर ही सेज When आई ग्रो अप आई want टू बिकम अ seed कलेक्टर जब मैं बड़ा होगा तो मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ बीजों को जमा करने वाला कलेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जमा करने वाला वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स हमारे गांव में कॉटन का मतलब होता है रुई कॉटन के जो हैं फील्ड्स हैं कॉटन के पेड़ उगाए जाते हैं मेरे पिताजी जो हैं हर साल पैसे खर्च करते हैं नए सीड्स को ख़रीदने के लिए ताकि हम और कॉटन प्लांट्स उगा सकें माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट सीड्स फ्राम हिज ओन प्लांट्स विच वुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर मेरे दादाजी बताते थे कि वो जो है अपने ही पेड़ों से सीड्स को कलेक्ट करते थे और अगले साल उनसे और भी पेड़ उगाते थे बट टूडे That doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. पर आज के समय में ऐसा नहीं होता है, तो हमें हर साल जो है, seeds को बीजों को खरीदना पड़ता है। I want to find out why that is so. मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब ऐसा क्यों है। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. मैं सीड्स को प्रिजर्व करना सीखना चाहता हूँ ताकि हम अगले साल पैसे खर्च ना करें रोहित दिस बॉयज नेम इज़ रोहित ही सेज इफ़ आई हैड huge अमाउंट ऑफ मनी आई would ट्रैवल एंड ट्रैवल ये कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं सिर्फ ट्रैवल करता आई to टू सी माउंटेंस ऑफ न्यूजीलैंड वो न्यूजीलैंड के माउंटेंस देखना चाहता है क्योंकि वो पिक्चर में बहुत खूबसूरत दिखते हैं आई विश आई कुड सील डाउन द एमजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट ठीक है अब वो कहता है कि मैं अमेजोन रिवर को सेल करना चाहता हूँ बोट में ठीक है अमेजोन रिवर जो है साउथ अफ्रीका में है आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीच ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव टाउन अब वो कहता है कि मैं लक्षद्वीप लक्षद्वीप जो है आइसलैंड से इंडियन आइसलैंड से इंडियन ओशन में है ईस्टर्न साइड्स में ठीक है वो कहता है कि मैं वहाँ वहाँ पर रहना चाहता हूँ टाइप डाउन टू सी कोरल्स कोरल्स का मतलब होता है सी के अंदर रहने वाले जानवर वो बहुत खूबसूरत होते हैं खैर वो एक अलग टॉपिक है कोरल्स मतलब आप इतना समझिए कि सिर्फ समुद्र में रहने वाले जानवर आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और ओल्ड सिटी इन बीजिंग वो कहता है कि मैं कोणार्क टेम्पल देखना चाहता हूँ ओडिशा का और बीजिंग जो सबसे पुराना शहर है चाइना का वहाँ जाना चाहता हूँ एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू और मैं जो है इजिप्ट के पिरामिड्स भी देखना चाहता हूँ बट वॉट आई एक्चुअली एंजॉय इज सी नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स पर मुझे इन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है नेचर को देखने में पुरानी बिल्डिंगों को देखने से ज़्यादा नेक्स्ट जो है वो है सरबजीत दिस बॉय इज सरबजीत सरजीत से वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री वैन पीपल डोंट बिलीव मी वैन आई एम टेलिंग द ट्रुथ जब ये कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब मुझे मैं सच बोलता हूँ लोग मेरा विश्वास नहीं करते ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉर गोड टू रिटर्न इट बोरो का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ उधार लेना जब मैं टीचर को बताता हूँ कि रवि ने मेरी बुक मुझसे बौरा की थी इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया और आई टेल माई पेरेंट्स डेट आई इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट और जब मैं अपने पेरेंट्स से बोलता हूँ कि ये मैं नहीं था मेरा छोटा भाई था जिसने लड़ाई शुरू की थी और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई शेल डिड स्टडी फॉर even I have got bad marks They all look at me as if they think I am telling lies. The look they look on their faces really angry. Sometimes I have to look down at the, my shoes and count to ten so that I could not show that I am angry. और कभी मुझे अपने जूतों को देख के दस तक काउंट करना होता है ताकि मैं एंग्री शो ना करूँ शी इज़ डोलमा डोलमा शीज़ वेन आई ग्रो अप आई आई वॉन्ट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब डोलमा जो है वो कहते हैं कि मैं जब पढ़ी होंगी तो मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है पीपल ऑलवेज लाफ एन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी वॉट टू डू दे हैव प्रॉब्लम एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी वैन समथिंग इज़ नीडिड टू बी डन इन स्कूल लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और मेरे टीचर भी मुझसे मुझ, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं जब उन्हें स्कूल में कुछ करना होता है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन मैं सबके लिए चीज़ों को अच्छा बनाना चाहती हूँ आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स रोड्स एंड स्कूल्स आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट एवरी दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिज स्पेसिप टू मार्स मैं चाहती हूँ कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हों जो इंसेंट्स के लिए और डिसीज के लिए क्योर्स निकालें और स्पेश भेजें मार्स पर ही इज पीटर माई फेवरेट डे इज़ सेकेंड सनडे ऑफ एवरी मंथ ऑन दिस डे आर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म अब इनका जो है फेवरेट डे है सेकेंड संडे हर मंथ का क्योंकि इस दिन क्या होता है इनकी पूरी फैमिली सिनेमा देखनी जाती है सिनेमा हॉल में माई फादर गेट्स टिकेट इन एडवांस एंड ऑल अ फर्स्ट माई ग्रैंड मदर माई पेरेंट्स माई टू ब्रदर एंड आई टेक द बस देयर ठीक है तो इनका पूरा फैमिली मेम्बर जाता है वहाँ पर मूवी देखने बाइजस पीनेट आई लव टू सेट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म इनको डार्क रूम में बैठ के फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है आफ्टरवर्ड्स ही वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम्स एवरी वन इज इन अ गुड मूड एंड ऑल फील वेरी लकी देप्पी फैमिली अब यहाँ पर जो होता है सब कोई खुश रहता है और उन्हें लगता है और मुझे लगता है कि हम लोग जो हैप्पी फैमिली है अब ये देखिए ये क्वेश्चन आंसर्स हैं क्वेश्चन आंसर्स भी जो हैं हम लोग देख ही लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पीटर्स फेवरेट डे ऑफ वीक संडे बिकॉज क्यों है क्योंकि वो हर दिन हर संडे को जो है घूमने जाता है इसलिए पीटर का डे जो है पूरी फैमिली उनकी घूमने जाती है तो फेवरेट है नासिक क्या करना चाहता है वो सीट को पिजर्व करना सीखना चाहता है डोलमा क्या करना चाहती है वो प्राइम मिनिस्टर क्योंकि उनसे लगता है कि वो सारी चीज़ों को ठीक कर सकती है सभी चीज़ों को बनाना चाहती है सबके लिए सब कुछ बनाना चाहती है सेकेंड पार्ट जो है वह है मल्टीपल इंटेलिजेंस का ईच वन ऑफ अ स्किल और गुड एट समथिंग बट वी नो डोंट नो दैट डिफरेंट पीपल्स आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज हर इंसान जो होता है वो ना किसी ना किसी चीज़ में इंटेलिजेंट होता है उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है इक्वालिटीज जो होती है तीन टाइप्स में बटी हुई है एक है विजुअल दूसरा है वर्बल एंड तीसरा है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस विजुअल इंटेलिजेंस जो होता है कि हम सोचते हैं मेंटल इमेजेस क्रिएट करते हैं रिमेंबर करते हैं चीज़ों को मैप्स को है ना कुछ इमेजस बनाते हैं उन वो जो होते हैं वो विजुअल इंटेलिजेंस में आते हैं ऐसे लोग जो होते हैं वो पजल बिल्डिंग में एडिंग में राइटिंग में ठीक है मूवीज़ वगैरह बनाने में बहुत आगे होते हैं बहुत माहिर होते हैं ठीक है वीडियोस क्रिएट करने में बहुत माहिर होते हैं फिल्म बनाते हैं इनको कहते हैं विजुअल इंटेलिजेंस राइट ये लोग जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है वर्बल जो होते हैं वो वर्बल जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को टीचिंग में यूजिंग ह्यूमर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स मे इन्फॉर्मेशन कन्वेंसिंग सम ऑफ वर्ड सम पॉइंट ठीक है ऐसे जो लोग होते हैं वो पोएट जर्नलिस्ट राइटर टीचर लॉयर पॉलिटिशियन ट्रांसलेटर ये सब चीज़ें बनते हैं ठीक है जो विजुअल वाले होते हैं विजुअल आर्किटेक्ट बन सकते हैं मैकेनिक बन सकते हैं इंजीनियर बन सकते हैं क्योंकि उनकी जो होती है विजुअल विजुअल इंटेलिजेंस बहुत स्पीड हाई होती है इसलिए वो लोग इन्वेंटर्स कल्पचर साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हैं जो वर्बल इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो है, है, है? पोएट बन, 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 बन सकते हैं क्योंकि वर्बल बोलना होता है वर्बल में हमें स्पीक करना होता है ठीक है अभी मैंने आपको बताया कि वर्बल में राइटिंग स्टोरी टेलिंग लिसनिंग एक्सप्लेनिंग और टीचिंग जैसे चीज़ें इमेंटेड होती हैं इसलिए वो लोग पोएट बन जाते हैं जर्नलिस्ट बन जाते हैं राइटर बन जाते हैं टीचर बन सकते हैं राइट जो थर्ड है हमारा मैथमेटिकल इंटेलिजेंस दिस पीपल लाइक्स लॉजिकल एंड न्यूमर्स ठीक है लॉजिक और नंबर्स को पसंद करते हैं ये लोग ठीक है ये लोग जो होते हैं पजल सॉल्विंग होते हैं एक्सपेरिमेंटिंग होते हैं क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग होते हैं दे बिकम साइंटिस्ट इंजीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर रिसर्चर अकाउंटेंट एंड मैथमेटिशियन राइट नेक्स्ट इज बीइंग गुड एट यू स्टडीज इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बट देर आर मनी अदर टू रीड द डिस्क्रिप्शन साइंस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिस्क्राइब यू रिमेंबर दैट देर आरली वी मोर वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच यू ठीक है अब यहाँ पे बॉडीली इंटेलिजेंस बॉडीली इंटेलिजेंस जो होता है यू लाइक टू कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली ठीक है ये लोग क्या होते हैं अपनी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करते हैं ये लोग जो होते हैं डांसिंग में फिजिकल कोऑर्डिनेशन में स्पोर्ट्स में क्राफ्टिंग में एक्टिंग में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं ये लोग बन सकते हैं डांसर एथलीट फिजिकल एजुकेशन में जा सकते हैं टीचर बन सकते हैं एक्टर बन सकते हैं ओके राइट यू डू अंडरस्टैंड दैट आर बॉडी बॉडीली एक्शंस इसमें आते हैं ये लोग बॉडीली एक्शन और बॉडीली इंटेलिजेंस में राइट right? नेक्स्ट जो होता है फिजिकल होता है ओके okay? इसमें होता है दे आर गुड एट सिंगिंग प्लेइंग म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटल राइट ये सब जो होते हैं म्यूजिकल में आते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आते हैं साउंड्स वगैरह पैटर्न्स में रिदम्स में सब में ये लोग माहिर होते हैं राइट right? तो ये लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली किस में जाते हैं सिंगिंग में जाते हैं विस्लिंग में जाते हैं ऑर्गनाइजिंग ट्यूज में ट्यून्स को कंपोज करना इन सब के होते हैं म्यूज़िक बन म्यूजिशियन बन सकते हैं डिस्क जॉकी बन सकते हैं सिंगर और कंपोज़र बन सकते हैं ओके okay? नेक्स्ट होता है इंटरपर्सनल राइट right? ये जो लोग होते हैं वो पीपल्स को समझते हैं ये लोग सब जो हैं एक दूसरे को समझने की क्षमता रखते हैं कोऑपरेटिव होते हैं एक दूसरे की तरफ तो ये लोग जो है काउंसलर बन सकते हैं सेल्स पर्सन बन सकते हैं पॉलिटिशियन बिजनेस मैन बिजनेस पर्सन ठीक है टीचर बन सकते हैं ये लोग ओके तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए लाइक करिए एंड शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू